देश की व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है, जिससे जुड़ी खबरें आए दिन सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। इसमें टेलीकॉम से लेकर चारा तक घोटालों की लिस्ट में शामिल है। तो वहीं इस बार भी आयकर विभाग की छापेमारी ने बिहार और झारखंड में कार्यरत एक प्रमुख सड़क निर्माण कंपनी के पास से करोड़ों रुपए के काले धन का पता लगाया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल इनकम टैक्स की टीम ने 26 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र में कंपनी के 50 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जहां उन्हें कई दस्तावेज मिले जिनसे आयकर अधिकारियों को पता चलता है कि बिहार और झारखंड की सड़क बनाने वाली प्रमुख कंपनी अम्हारा कंस्ट्रक्शन के मालिक द्वारा करोड़ों रुपए की कर चोरी की जा रही है, जिसमें कंपनी के मालिक राकेश कुमार ने बिना बिल और वाउचर से बेहिसाब कर चोरी करते हुए 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की काली कमाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, इस कर चोरी की जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने दी है, जहां उन्होंने जानकारी में बताया कि छापेमारी में 5.71 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है और 10 बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। छापेमारी से पता चलता है कि यह समूह सामग्री की खरीद पर खर्च बढ़ाकर अपने मुनाफे को कम करके दिखा रहा था और यह समूह अन्य व्यावसायिक खर्चों को भी बढ़ाकर करोड़ों पैसे अपने नाम कर रहा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आगे कहा कि छापेमारी के दौरान बरामद और जब्त किए गए दस्तावेज विभिन्न स्थलों पर अचल संपत्तियों में निवेश के लिए बेहिसाबी नकदी के लेन देन और व्यक्तिगत प्रकृति के नकद खर्च का संकेत देते हैं। गौरतलब है कि अम्हारा कंस्ट्रक्शन बिहार और झारखंड की सड़क बनाने वाली प्रमुख कंपनी है और छापेमारी के दौरान पता चलना कि सड़क निर्माण घोटाले में कमीशन एजेंटों और फर्जी बिलों के आपूर्तिकर्ताओं ने भी करोड़ों रुपए की आय पर कर चोरी की है, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को दर्शाता है, जिसके बाद सरकार और कर चोरी से जुड़े सभी विभागों को इस तरह के मामलों पर नकेल कसने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।